गुरुग्राम पुलिस ने सोहना के तावड़ू रोड से अवैध तौर पर ऑनलाइन कैसीनो के जरिए जुए के काले कारोबार का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि ये कैसीनो सोहना थाने से महज कुछ कदम की दूरी पर ही चलाया जा रहा था। इसके साथ ही पुलिस ने एक साथ सोहना में दो जगह और उद्योग विहार और सेक्टर 14 में रेड कर ऑनलाइन कैसीनो चला रहे दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने लैपटॉप, ऑनलाइन उपकरण और हजारों रुपए की नकदी भी बरामद की है। हमारे पास जैसे ही इन्फॉर्मेशन हमें मिली, रिगार्डिंग सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो हमने टीम गठित करके अलग अलग इलाके में गुड़गांव के सभी जगह हमने रेड की है। तो तकरीबन दो जगह हमने सोना में रेड की है और अपना उद्योग विहार में भी रेड की गई है और सेक्टर 14 के एरिए में भी रेड की गई है। तो सभी जगह हमने रेड की और सारी रेड हमारी सक्सेसफुल रही है। तो इसके अंदर जैसे हमने सोना में जहाँ पर रेड की है वहाँ पर एक टी स्टॉल की शॉप के अंदर एक लैपटॉप के जरिए और उसको कनेक्ट करके फर्दर एक LED के जरिए उसको शो की जा रही थी उसकी सारी पिक्चर, वहाँ पे चलाया जा रहा था। वो हमने मौके पे जाकर के रेड की और सभी को हमने वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया। तो वहाँ पे जाने के बाद हमें पता चला कि ये किसके कहने पे चल रहा है। तो एक संतु उर्फ सतवीर गुजर उर्फ संतु है सांप की निकली का, तो मेन वो चलवा रहा था, उसको हमने गिरफ्तार भी किया है। और इसी तरह से अपना जो हमारा उद्योग विहार में मिला है वो भी जो हमने मौके से लोग गिरफ्तार करे हैं, उन्होंने तरुण बजाज का नाम लिया था, तो वो तरुण बजाज और सोनू दो लोगों का नाम लिया, ये लोग चलवा रहे हैं, उन्हें भी हमने गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में ACP सोना की माने तो आरोपी गैंगस्टर सूबे के करीबी बताए जा रहे हैं, जिसमें पुलिस ने सांप की नगली के रहने वाले सतबीर उर्फ संतु गुर्जर को सोहना से तो वही तरुण बजाज उर्फ सोनू को उद्योग विहार इलाके से गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। पूछताछ में पता किया है जो सूबे गुजर जो है वो बाढ़ गुजर का रहने वाला है गैंगस्टर, ये जो संतु गुजर है ये उस गांव के अंदर इसकी शादी हो रखी है। बाकी हम और तहकीकात कर रहे हैं इसके अंदर, जिस तरीके से अगर इसके कनेक्शन उसके साथ में है तो वो भी सारी चीज़ें तहकीकात करके उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें सामने आएंगी वो सारी चीज़ें एक्शन लिए जाएंगे। और भी हम बिल्कुल जांच कर रहे हैं, अगर इसके अंदर इस प्रकार का कोई भी हमारा अधिकारी या कर्मचारी किसी भी प्रकार से अगर संलिप्त पाएगा तो उसके ऊपर विरुद्ध बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पुलिस संतु और गैंगस्टर सूबे गुर्जर के रिश्तों को बेनकाब करने में जुटी है, जिसके बाद साफ हो पाएगा कि कैसीनो गैंगस्टर की शह पर चल रहा था या फिर संतु ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। पंजाब केसरी TV के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।